तो फाइनली दोस्तों डाला आ ही गया है। मज एक चंगी है ना परली परली चंगी है ना। ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂਦਲਿਓ ਆਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਅਰਸਲਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਯਾਰ ਅਰਸਲਾਨ ਜਾਓ ਜਾਓ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੋ ਕੋ ਬੈਂਸੇ ਅਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਓ ਛਾਨੀਓ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आदिल और उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरी तरह खैरियत से होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। दो भैंसें ना नई आई हुई हैं दोस्तों, तो उनकी ना अनलोडिंग करनी है, लेकिन अरसलान यहां पे मौजूद नहीं है। डाले वाला भाई साहब वो आ गया हुआ है, अभी हम ना अरसलान को ढूंढ रहे हैं। यार आवाज़ दो उसे, जाओ अरसलान। यार इनका सर्दी से क्या हाल हुआ है, है ना जी जी। बहुत बुरा है, इनका हाल क्या होगा। यार तुम ही पकड़ लाओ, मुझे डर लगता है, कभी मैंने पकड़ी नहीं है भैंस। चल झूठा झूठा रही, अच्छा सच्चा। अभी चाचा जी ना उनको फोन कर रहे हैं, आगे चलो आ जाओ। मुदसर भाई कहाँ थे, अरसलान कहाँ है? वो दुकान पे गया। उतारो फिर भैंसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ बेलियान, न्यू भैंसे आई हैं तुम्हारी, दूध पियोगे इनका? रो रहे थे तुम। ध्यान से ध्यान से मुदस्सर, खेचो ऐसे। वो ऐसे नहीं यार, बह के आने दो इसको। आ गई आ गई। अच्छा इसका बच्चा है, दोनों के बच्चे। ओहो बच गए। हाँ जी फड़ यार, उमर फड़ ला यार, कोई नाल कर दिया कर हेल्प। शाबाश माशाल्लाह। एक बच्चा तुम पकड़ो, एक मैं पकड़ लेता हूँ। दोनों के दोस्तों बच्चे भी हैं, बच्चे दिखाओ बच्चे पहले। बच्चों के साथ लेके जाना यार, इधर आओ। वो वाली बच्चे का, ये इसका है, ये इसका है। पकड़ो यार बिलाल, तुम पकड़ो। उतारो आराम से, देखना गिरा ना देना। बस बस बस, ये इसकी माँ है। वो बड़ी माँ इधर, तुम उसको पकड़ो ना, ये पकड़ा दो ना इधर। अलियान ये तुम पकड़ लो, ये लो ध्यान से। उमर इसको लेके आओ यार, चलो इसके माँ पीछे लगा दो। नहीं नहीं ये माँ इसकी नहीं है। खेचो जोर से, नीचे करो रस्सी, ऐसे नहीं खेचते इसको। चलो चलो चलो, ये इनको वो देख तो लो, काकी है के काका, काकी है। काके हैं दोनों, दोनों काके हैं। दोनों को दोस्तों छोड़ दिया है और दोनों मेल हैं माशाल्लाह, कटड़े दोनों कटे। वो माशाल्लाह उसके हड्ड पैर खुले हैं। ये थोड़ा ना कमजोर सा है ना, इसकी टांगे भी अभी सीधी नहीं हुई यार, एक दो दिन का है ये। दोनों भैंसों को भी इनकी जगह पे बांध दिया गया है। एक भैंस के बच्चे को ना अंदर बांध दिया गया है, इस भैंस के बच्चे को। ये दोनों माशाल्लाह दोनों ने बच्चे दिए हुए हैं। इसका बच्चा अंदर बांध दिया है और दूसरी का बच्चा मुदस्सर भाई ना यहाँ बांधने लगे हैं। इसको भी अंदर बांध दे यार, ये इसकी अम्मी है दोस्तों। इसे पता नहीं क्या हो गया है। तुम्हें क्या हुआ? देखना दोस्तों अभी बोलेगा ये, बोलो। शर्मा गया शर्मा गया थोड़ा सा, बोला असल में ना दोस्तों इसने ना दूध पीना है अपनी माँ का, तो इसलिए ये ना बोल रहा है। अभी थोड़ा टाइम रहता है इनको दूध पिलाने में। ये क्या चीज़ है?
वंडा, ठीक है, भैंसों का वंडा आ गया दोस्तों। ये मेरा ख्याल काफी थका हुआ है, आते साथ बैठ भी गया है, है ना। तुम्हारे दांत कहाँ गए, दिखाना, चूहा ले गया। तो इसको भी मदसरा भाई ना अंदर ही बांधने लगे हैं इसके बच्चे के साथ। ये रही भैंस और ये रहा इसका बच्चा। हाँ कहाँ थे तुम, कहाँ थे? दोनों भैंसों को ना मुदसरफ भाई ने अंदर बांध दिया है, इनकी अनलोडिंग करवा दी है, इनकी मोरखें वगैरह तो चेंज नहीं करनी। चलो फिर लेते आना, क्या करने लगे हो अभी? कहाँ से मोटरसाइकिल चला के आए हो? तो अरसलान अभी आया है दोस्तों, ये ना इनको चारा डालने लगा है। तो इनको दोस्तों चारा डाल दिया गया है और ये खा रही हैं। ये भैंस नहीं अभी खा रही। क्या डालने लगे हो? ओए बकरे दे मार। बस बस ठीक है, बस कर। दोस्तों इस गाय को ना इधर से भैंस मारती है और इधर से ये ना जोटी, और ये दोनों ने ना इस गाय को ना तंग किया हुआ है। ये देखना अभी इनको कहो हट जाएं। हट जाओ, करीब जाके कहो ना। डरते हो भैंसों से? डरते हो? हाँ जी। इससे भी डरते हो? ये देखें दोस्तों, अभी इधर से भैंस ने मारा। बनानी आती है मुझे, रोटियां पकानियां आतियां हैं मुझे, चाय बनानी आती है मुझे, मुझे सालन बनाना आता है। तुम्हें पट्ठा पाना नहीं आता? आता है। चारा डाल लेते हो सारे जानवरों को? नहीं। इनको डाल लेते हो? इन गंदे मुर्गों की लड़ाई नहीं करवाते। अच्छा ये लेने गए थे? ये कील भी लेने गया था, कील ना यहाँ पर लगाएंगे, बराबर लगाएंगे, लगाएंगे रात को। आज तरपाल लगाने, तरपाल लगाई भी हुई है आगे, आज फिर लगाएंगे चरने वगैरह लगाएंगे। ताजी भैंसे आई हैं ना, सुई हुई बच्चे वगैरह भी हैं। ये कुछ तरपालें दोस्तों लगाई हुई हैं यहाँ पे, ये देखें। और ये जगह जो है ना, ये जगह वैसे ही है, तो यहाँ पे भी ना अरसलान कोई तरपाल वगैरह कोई पल्ली वगैरह लगाने लगा है। तो अभी ये ना कील ठोक रहा है, चलो भाई। अब दोस्तों हम ना घास चोने लगे हैं, इसकी टांगों को रस्सी पर डाल लेंगे। आई लेट नहीं चवाई करने लगे कि पहले ही लेट हो गए यार। तो इसे पता नहीं क्या है यार, तुम्हें क्या मसला है? बाहर जाना है, तुम्हारा मालिक आ गया है। अब ये ठीक है गाय? हाँ माशाल्लाह ठीक है, अभी बहुत बेहतर है माशाल्लाह। अच्छा टूड लगाया इसने वो। तो इसको इसके आगे बांध दिया है अरसलान ने, ताकि ये अपना बच्चा चाटती रहे और सुकून से खड़ी रहे। अरसलान ने बाल्टी ऊपर उठाई हुई है, ऐसे टांगों में ली हुई है, और ऐसे ना बहुत मुश्किल से ये ना दांत निकाल रहा है। ये गायें ऐसी क्यों नहीं पड़ती है? अच्छा नहीं, कई गायें होती हैं जिनके थन लंबे लंबे भैंसों जैसे होते हैं,
ये विलायती है ना, है ना? हाँ ये विलायती है, इनके थन ऊपर ही होते हैं। सही है। ये इतना सा दूध दूध ही आ रही है। हमारी गाय बीमार हो चुकी थी आपको पता ही है, इस वजह से दूध कम देती है, एक सर्दी बहुत ज्यादा है। दोस्तों क्लोज फाइटर का हाल देखें, इतनी सर्दी में ये ना बाहर ही बैठा हुआ है। अब कहाँ जाना है इसने, वो हवा देने लग पे। ये था दोस्तों हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अभी रात हो गई है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, और ये देखें कैसे धुआँ निकल रहा है मेरे मुँह से।